हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस कर्नाटका के द्वारा सितंबर 2018 में पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद के इतिहास का जो सेकंड पेपर आयोजित किया गया था RS4 एंड RS5 के अंतर्गत, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज, इसमें आपके टोटल मिलाकर के 100 नंबर के कंटेंट है और ये 100 नंबर के कंटेंट जो है आपके पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है, जिसमें आपका पार्ट ए जो है वो 75 मार्क्स का होता है और उसके बाद में जो पार्ट बी है जिसके अंदर आयुर्वेद का इतिहास पूछा जाता है वो आपके 25 मार्क्स का जो है वो होता है। इसमें अगर अपन फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो लॉन्ग ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, जिसकी अगर अपन बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन परमाण एंड क्लासिफाई परमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। जो फिलोसॉफी है उस फिलोसॉफी की जो डिफरेंट जो स्कूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो परमाण है वो परमाण का क्लासिफिकेशन क्या है वो बताना है और उसी के साथ साथ परमाण जो है वो क्या है उसकी डिफाइन मतलब उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। सेकेंड है कि एक्सप्लेन आप्तोपदेश आप्त के लक्षण एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस इन आयुर्वेदा। आप्तोपदेश जो है उसको वो क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, आप्त के लक्षण जो है वो कौन कौन से वो आपको बताना है और उसी के साथ साथ आपको जो इसके सिग्निफिकेंस मतलब कि जो आयुर्वेद है उस आयुर्वेद के अंदर इसके सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। उसके बाद शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है उसके टाइप्स जो है वो कौन कौन से उसको आपको डिस्कस करना है। फोर्थ नंबर का एक्सप्लेन परिणामवाद, परिणामवाद जो उसको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ व्याप्ति, व्याप्ति के जो प्रकार है वो कौन कौन से उसको आपको बताना है। एक्सप्लेन हेत्वाभास, हेत्वाभास जो है वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है। नेम त्रिदोष कारण एंड राइट अबाउट अंतकरण, जो तीन प्रकार के जो कारण जो करण बताए उनके बारे में आपको बताना है और अंतकरण क्या है उसको आपको डिटेल में जो है बताना। उसके बाद राइट अनुमान लक्षण इट्स सिग्निफिकेंस इन आयुर्वेदा, जो अनुमान है उसके लक्षण आपको बताना है और इसका सिग्निफिकेंस आयुर्वेद में क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन युक्ति एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मतलब जो युक्ति प्रमाण है उस युक्ति प्रमाण का जो आयुर्वेद है उस आयुर्वेद के अंदर प्रैक्टिकल मतलब कि क्लिनिकल रूप से क्या इंपॉर्टेंस है क्या यूटिलिटी है उसको बारे में आपको बताना है। दो नंबर की मतलब पांच नंबर की कंटेंट है उसमें आपको उस तरह से जो है वो एक डेढ़ पेज तक की कंटेंट आपको लिखनी होगी। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं राइट द टाइप्स ऑफ कारण, जो कारण है उसके टाइप्स जो है कौन कौन से वो आपको बताना। राइट अबाउट उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण के बारे में आपको बताना। राइट अबाउट कसाय, राइट अबाउट क्षणभंगुरवाद क्या है उसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन आकांक्षा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन चेष्टा प्रमाण, जो चेष्टा प्रमाण है जिसको अपन प्रत्यक्ष प्रमाण भी बोलते हैं वो क्या है उसको आपको डिफाइन करना है। पार्ट बी के अंदर आपको 25 की नंबर की कंटेंट पूछी जाएगी, जिसमें आपको तीन क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि पाँच पाँच मार्क्स के होंगे और दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पाँच पाँच मार्क्स के होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में आपके पाँच क्वेश्चन होंगे जो कि दो दो मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट अबाउट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड देयर रिकमेंडेशन अबाउट आयुर्वेदा। राइट अबाउट भरतचार्य जो है वो कौन है उसके बारे में आपको बताना है। राइट अबाउट ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद का इतिहास है उसके सिलेबस में हमने देखा था कि अलग अलग है कि जो है वो इंडिपेंडेंस मतलब कि जो स्वतंत्रता से पहले आयुर्वेद की स्थिति क्या थी, उसके बाद में और उसके आगे चल करके उसकी स्थिति क्या हुई, इस तरह से आयुर्वेद जो है वो एक देश से दूसरे देश में किस तरह से फैलता है, उसका ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसा हुआ, इसके बारे में आपको जो है वो बताना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चनों में गिव ए ब्रीफ नोट्स ऑन भरत हरिचंद्र क्या है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पी वी शर्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उसको आपको बताना है। नेम द कॉमेंटेटरी ऑफ अष्टांग कमेंटेटरी करना। अब अष्टांगते हुए कमेंटेटरी आचार्य डलन ने करी थी, है ना। तो उसके अलावा जो आचार्य जी कृपाणी थे चरक संहिता के लेकर आचार्य डलन ने करी थी, तो उस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसका जो कमेंटेटर है वो कौन है, तो उसमें के बारे में आपको जो है वो बताना होगा। राइट अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, आयुष का डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पे है, कब स्टेबलाइज किया गया था, उसका जो है मोटो क्या है, इन सब के बारे में आपको बताना है। दो नंबर की कंटेंट व्हाट इज द TKDL मतलब कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो क्या है उसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज जो है वो इस क्वेश्चन में बतानी है। तो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर के बारे में बात की, जो कि सन 2018 में RGUHS यूनिवर्सिटी कर्नाटका के द्वारा रिवाइज्ड स्कीम फोर और फाइव के अंतर्गत आयोजित किया गया था। थैंक यू सो मच गाइज।